हेलो एवरीवन, जैसा कि अपने थर्ड लेक्चर में परसेंटेज थर्ड पार्ट में हम लोग आज करने वाले हैं मोर और लेस से संबंधित प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स में से अधिक या से कम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जिनको आपको हल करना है। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लूं, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है कि इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक ही इनकम, एक ही आय बी से 20% ज्यादा है, मोर बी से 20% अधिक है, तो बी की इनकम ए से क्या होगी? ऑब्वियस है, सीधी सी बात है कि ए से कम होगी। कम होगी तो कितने परसेंट कम होगी वो आपको बताना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। हम ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, फिर आगे दिखाता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ ए इज 20% मोर, यदि ए 20% अधिक है किससे, बी से, देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, तो बी ए से कितना परसेंट, कितना प्रतिशत कम होगा। अब सीधी सी बात देखिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये कह रहे ए बी से 20% ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 20%, प्लस का मतलब अधिक, 20% ज्यादा है, 20% अधिक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास सिर्फ परसेंटेज दिया होगा और उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, किसी का मान कुछ भी ले सकते हैं। हम यहां पर अपनी सुविधा के लिए जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना की जाती है, उसको हम 100 ले लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब यहां पर ए बी से ज्यादा है तो हम बी को मान लेते हैं 100, और पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि किसी भी नंबर का परसेंटेज 100 का, 100 का, अगर जितना परसेंट होता है वही उसकी वैल्यू होती है, वही उसका मान होता है। अब ए बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब अगर बी को 100 ले लिया तो ए का मान 120 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 120। अब इन दोनों में अंतर देखिए कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 20। अब यही 20 को मैं दो तरह से कह सकता हूं। ये मैं कह सकता हूं कि ए इज 20 मोर देन बी, यानी कि ए बी से 20 ज्यादा है, या फिर बी ए से 20 कम है। अब जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे तुलना करके करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। अभी देखिए, इन्होंने बोला ए इज 20% मोर देन बी, तो इसका मतलब अगर बी को 100 ले लिया तो ए 120 होगा। अब इसी को रिवर्स में पूछ रहे हैं कि बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, तो पहले ये बताइए बी है कितना कम है ए से, ए है 120, बी है 100, तो बी ए से कितना कम है, यस ठीक है 20 कम है। कौन कम है, बी, किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो जिससे कंपेयर किया गया वो होना चाहिए डिनोमिनेटर में, उसको कहां लिखना है, डिनोमिनेटर में। नाउ अब आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब कि इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से इसको गुणा कर दो, अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, 20 एकम 20, 21 जा 20, 26 जा 120, आ गया 1/6, फिर 23 जा 25 जा, आपका आंसर हो गया 50/3%, या फिर इसी को आप कह दो 16:2/3%। यानी कि अगर ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है, 16:2/3%। ठीक है, और एक वीडियो से देखते हैं, और एक क्वेश्चन से देखते हैं कैसे समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ एज इनकम इज 20% लेस देन बीस, यानी कि ए की आय बी से 20% कम है, तो सीधी सी बात है अगर ए की कम है तो बी की ज्यादा होगी, बी की क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, ए से ज्यादा होगी, कितना ज्यादा होगी वही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन यही है कि ए की जो आय है, ए की इनकम बी से कम है,
कितना कम है भाई 20%। तो कम होने के लिए लेस के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे और इट इज -20%। ए इज -20% देन बी, बी से कम है इसलिए बी से ए की तरफ एरो लगाया। फिर से देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, आपको क्या करना है, बी को 100 मान लिया, ए इज व्हाट 20% लेस यानी कि 20 कम होगा, तो ए का मान कितना होगा 80 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का अंतर कितना है ए और बी का 20 है, ठीक है। अब यही 20 का डिफरेंस है, इसी 20 से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी से 20 कम है या फिर बी ए से 20 ज्यादा है। आपको पूछा क्या है, बी ए से कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो पहले वैल्यू में कितना ज्यादा है 20, किससे ए से, तो डिवाइडेड बाई इसको किससे भाग दे देंगे 80 से। फिर इसको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, हमने बोला आपको कि 100% से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कर दो। अभी देखिए इसको कैंसिल करिए, 21 जा 24 जा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25, आपका आंसर हो गया 25%। मींस इसका मतलब यह हो गया कि ए की आय अगर बी से 20% कम है तो बी की आय ए से 25% अधिक है। कितनी अधिक है, 25% अधिक, इतना इट इज मोर, अधिक बोलो या फिर इसी को आप बोलो मोर। एज इनकम इज 20% लेस, तो ए की आय अगर बी से कम थी तो बी की ऑटोमेटिकली क्या होगी, ए से ज्यादा होगी। और देखिए एक क्वेश्चन, देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलता है कि एज मार्क्स आर 20% लेस देन बीज मार्क्स, ए का जो नंबर है किसी एग्जाम में किसी परीक्षा में वो बी से 20% कम है, बी के नंबर से 20% कम है, और सी का जो मार्क्स है, सी का जो नंबर है वो बी से 25% ज्यादा है, ठीक है। यानी कि एग्जाम में कितने लोग हैं, 3 लोग, ए बी और सी, ये तीनों हैं। ए का नंबर बी से 20% कम है, मतलब ए बी से अगर ए जाएंगे तो -20%, और सी का मार्क्स 25% ज्यादा है बी से, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा +25%, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए का जो मार्क्स है, ए का जो नंबर है वो सी से कितना परसेंट कम या ज्यादा, क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि किससे का मान लेने पर बाकी दोनों का मान हमको मिल जाएगा। तो देखिए ए और सी दोनों का कंपैरिजन, दोनों की तुलना बी से की गई है, इसलिए हमें बी की वैल्यू को लेना पड़ेगा, बी की वैल्यू को मान सकते हैं। तो हम कितना लेते हैं, बी की वैल्यू को हमने मान लिया 100। अगर बी का नंबर 100 रहा होगा तो ए का इससे 20% कम था, इसका मतलब ए का हो जाएगा 80, और सी का 25% ज्यादा था, इसका मतलब सी का मान हो जाएगा 125। बी का कितना ले लिया 100, ए इससे 20% कम था इसलिए 80 हो गया, सी इससे 25% ज्यादा था इसलिए 125 हो गया। अब ये तीनों के नंबर आपके पास हो गए। अभी आपको क्या बोलना है, ए का जो नंबर है वो सी के नंबर से कितना कम या ज्यादा है। ए मतलब 80 और सी मतलब 125, दोनों का अंतर कितना होगा, तो देखिए 125 में से 80 माइनस करो आपको मिला कितना, 125 में से 80 माइनस किया 45 मिल गया। ये 45 मार्क्स का डिफरेंस है, अंतर है ए और सी में। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि ये ए का जो मार्क्स है वो सी से कितना कम है, पहले तो ये बताओ कम है या ज्यादा। तो ऑब्वियसली यहां से देखने को मिल रहा है कि ये कम है, कितना कम है 45, तो ये 45 मार्क्स कम है ए, किससे कम है सी से, तो डिवाइडेड बाई इसको भाग दे देंगे किससे, सी के नंबर से, तो डिवाइडेड बाई 125। और इसी को उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज में आप बता दो, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ आया इस टाइप से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, 59 जा और यहां पर इसको 5 से डिवाइड करिए 525 जा, फिर 25 से इसको कैंसिल करिए 25 4 जा 9 4 जा 36, तो ये क्या हो गया 36% लेस यानी कि कम, किसका, ए का जो नंबर है, ए के जो मार्क्स हैं वो क्या है सी से 36% कम है। आया समझ में, एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए अब जैसे एक ये क्वेश्चन है कि ए की इनकम, ए की आय बी से 20% कम है, किससे कम है
बी से 20%, यानी कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए की इनकम बी से 20% कम है, राइट? अगेन, एंड द इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन इनकम ऑफ सी। बी की जो इनकम है वो सी से 10% कम है। क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से 20% कम है और बी की जो आय है वो सी से 10% कम है। तो आपको बताना है कि ए की इनकम सी की इनकम से कितना कम या फिर ज्यादा है। तो इसका मतलब अब आप देखिए यहां पे हमें किसको एज्यूम करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू को मानना पड़ेगा, यस सी की वैल्यू को लेना पड़ेगा। सी की वैल्यू का मतलब अब यहां पर जैसे सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, तो सी की इनकम को आपने ले लिया 100। सी से 10% कम बी होगा, इसका मतलब बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 का 10% 90 हो गया। अब यहां से देखिए ए की इनकम बी से 20% कम है, तो 90 का 20%, तो 20% ऑफ 90, हमने कल ही बताया था इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20% ऑफ 90, परसेंटेज को हटाएंगे, इसकी जगह पर 100 लिखेंगे, ऑफ को हटाओ, इसकी जगह पर इनटू करो, सीधा सीधा देखो कि दोनों जगह जीरो है, कैंसिल हो जाएगा और 9 टू जा क्या हो जाएगा 18। तो 18 इसको कम करना है, तो 18 कम करने का मतलब ये समझ लो कि आप इसी को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि 9 टू जा 18, 90 से 18 नहीं होगा, तो होगा कितना 80% होगा। 80% होने का मतलब हो गया कि 8 इंटू 9 करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 00 जो है ये परसेंटेज का बाई 100 जो होगा उससे ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 90 का 80%, 20% तो कम हो रहा है तो बचेगा कितना 80%, तो 80% बचने के लिए क्या हो गया 8 9 जा 72। अब आप वैल्यू देखिए, ये 100 है, ये 90 है और ये 72 है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, ए सी से कम है या ज्यादा, तो आपने देखा इट इज ऑब्वियसली इट इज लेस, यानी कि कम है। तो ये जो लेस, कम या लेस, ये जो परसेंटेज है ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर। 100 और 72 का डिफरेंस कितना हुआ 28। तो आप देखो ये हो गया 28, 28 कम है ए किससे, सी से, और सी का मान कितना है 100, वैल्यू है 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या हुआ 100 से 100 कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गई 28%, 28%। और वैसे भी ये है कि 100 पर जो वैल्यू होती है वही, सॉरी 100 पर जो वैल्यू होती है वही आपका परसेंटेज होता है, तो 100 पर ये 28, 28 कम था, तो यहीं से डायरेक्ट आंसर आपका हो गया 28% या फिर 28%, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में परसेंटेज का ही कुछ और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, कुछ दूसरी वैरायटी पर डिस्कस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल।